खबर शामिल करते हैं क्वेत से। क्वेत और पाकिस्तान के 60 साल सफारती ताल्लुकात और यौमे आज़ादी के मौके पर पाक डोनर्स की जानिब से 22वें ब्लड कैंप का इनेकाद अल अदान हस्पताल के ब्लड बैंक में किया गया, जिसमें हर तबका फिक्र के अफराद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये कैंप खसूसी तौर पर क्वेत और पाकिस्तान के 60 साल सफारती ताल्लुकात और यौमे आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से लगाया गया, जिसमें 180 अफराद ने अपने आप को खून के अतिया के लिए पेश किया। क्वेत में सफीर पाकिस्तान मलिक मोहम्मद फारूक और वजारत सेहत की अहम शख्सियत डॉक्टर अहमद कैंप में मेहमान खसूसी थे। दीगर शख्सियात में सफारतखाना पाकिस्तान से कम्युनिटी वेलफेयर अताशी परख अमीर सियाल, पीर अमजद हुसैन सदर इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी क्वेत, मोहम्मद आरफ भट्ट सदर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल क्वेत, हकीम तारक महमूद सदीकी, डॉक्टर शजाउद्दीन खोकर सदर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टर्स इन क्वेत, डॉक्टर इजाज सोहेल सदर क्वेत पाकिस्तान फ्रेंडशिप एसोसिएशन, मियां मोहम्मद अरशद सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, डॉक्टर जहाजेब उस्मान सदर अवामी नेशनल सेंटर क्वेत, मोहम्मद जुबैर अशरफी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग क्वेत, जलालुद्दीन सुल्तान के अलावा कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। पाक डोनर्स की जानिब से कम्युनिटी के मरूफ शख्सियत हकीम तारक महमूद सदीकी ने आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया और उन्हें खुश आमदेद कहा। पाक डोनर्स टीम की वेमन विंग की जानिब से मिसेज शास्ता जाहद हेड वेमन विंग पाक डोनर्स ने आने वाली खवातीन को अतिया खून के हवाले से आगाही दी। पाक डोनर्स की टीम कैंप इंचार्ज अल्ताफ हुसैन ने तमाम अतिया करने वाले अफराद का दिल की था गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और कहा कि डोनर्स हमारा असासा हैं, जिनके तावन से इत्तेहाद हमदर्दी और इंसानियत की इन इकदार को तकवीत मिलती है, जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का खासा है।